वेलकम गाइस। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों ने लारावेल वेब सॉकेट का सेटअप बनाया था अपने चैट ऐप के अंदर, तो उसको टेस्ट किस तरह से करना है कि ये जो हम लोगों ने सेटअप बनाया ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि वेब सॉकेट का जब आप लोग सर्वर पे सेटअप बना लेते हो, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में सेटअप बना लेते हो, तो क्या होता है कि आप ना उसके बैकएंड में आप दो तरह से इवेंट को फायर कर सकते हो, क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो फायर होते हैं सर्वर पे। तो जब सर्वर पे फायर होते हैं ना, तो सर्वर पे फायर होने के बाद जो ये है ना वेब सॉकेट का डैशबोर्ड, तो यहाँ पे लिसन हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो लिसन हो जाएंगे। तो वो हम लोगों ने काम पिछले वीडियो के अंदर देखा था, और ये हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि ये अब फायर इवेंट है। जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो एक एजेक्स रिक्वेस्ट जाएगी एक राउट पे, ठीक है, बैकएंड वाले राउट पे, और उस बैकएंड वाले राउट पे जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में इवेंट को फायर करने का कोड है, उस पे वो जब चलेगा तो यहाँ पे वो इवेंट शो हो जाएगा कि ये इवेंट फायर हो चुका है और उसको ब्रॉडकास्ट भी कर दिया गया है। अब जब ब्रॉडकास्ट करेंगे ना, तो ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये होगा कि जितने भी क्लाइंट्स हैं ना वो उसको लिसन कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो लिसन करने वाला काम है ना, ये हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखना है। अभी के लिए मैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, ठीक है, मैसेज वाला, तो मैं यहाँ पर यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो चैट मैसेज, तो ये चैट मैसेज जो है ना यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। ओके, इसको मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ कि ये जो डाटा आ रहा है ना, तो ये डाटा कंसोल में लोग करवाने के बजाय यहाँ पे मैं अलर्ट करवा देता हूँ, इवेंट हैज बीन क्वायर्ड। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ये कह रहा है इवेंट हैज बीन फायर्ड, तो यहाँ पे देखो ना दूसरा इवेंट भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो ये काम हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिसन करना देखना है। लिसन करना क्या है कि अब देखो यहाँ पे तो लिसन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये चैनल, इस चैनल पे ये इवेंट फायर हो गया है। ठीक है, ये चैनल नेम आ रहा है और इवेंट का पाथ आ रहा है, बट मुझे ये दो चीज़ नहीं चाहिए, जो डाटा है वो चाहिए। तो वो मुझे लेसन कहाँ पे करवाना है, यहाँ पे कराना है फ्रंट एंड पे। अब इस काम को करने के जो हमारे पास स्टेप्स है ना, वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर वन बाय वन हम लोग उसको देख लेंगे। यहाँ पे मुझे लिखना है नोटपैड एंड इसको मैं ओपन करूँगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, सबसे पहले npm install लिखना है, एंड ये क्यों लिखना है, हम लोग ना यहाँ पे पहले कोलैप्स कर देते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं है, ओके, तो यहाँ पे जो कि नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, एंड देन मैं जैसे ही npm इंस्टॉल यहाँ पे करूँगा ना, ओके, यहाँ पे मुझे ये कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो npm इंस्टॉल करने से क्या होगा कि यहाँ पे ना नोड मॉड्यूल्स वाला ना एक फोल्डर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अभी ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होगा, लारावेल इको पुशर, ये जो लारावेल इको पुशर है ना, इसको हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये इंस्टॉल करेंगे लारावेल इको को भी और लारावेल पुशर को भी। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि इसका ना कोड हमें दिया गया होता है, हमें ये रिसोर्सेज के अंदर js के अंदर bootstrap.js के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे कुछ कोड कमेंट है, तो इसको हम लोगों को अनकमेंट करना होता है। अच्छा, अनकमेंट करने के बाद ना, अभी तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है इन दो चीज़ों को, क्योंकि ये दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रही हैं। अब ये जो इको है ना, इनका प्रॉपर सेटअप बनाने के लिए एक तो मुझे पुशर को इंस्टॉल करना है, दूसरा इको को इंस्टॉल करना है। अब ये दो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी तो फिर हम लोग फ्रंट एंड पे जो चैनल्स हैं उनको लिसन कर सकते हैं। ठीक है, इसी इको की मदद से हम लोग इको डॉट चैनल और चैनल पर हम लोग डॉट आके लिसन करेंगे, और लिसन हम लोग एक इवेंट को करेंगे। ठीक है, चैनल पर हम लोग इवेंट को लिसन करते हैं, एंड उससे करस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ आ रही है तो उसको हम लोग तो कंसोल में डिस्प्ले करवा के चेक कर देंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सेकंड कमांड लिखते हैं एंड यहाँ पे हिट एंटर कर देंगे। वैसे ये चीज़ें जो है ना, आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो आप लोगों को वहाँ से भी ये कमांड मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को इसकी txt फाइल चाहिए तो वो मैं आप लोगों को बना के सेंड कर दूँगा, लेकिन आप लोगों के पास ये वीडियो अवेलेबल है तो आप लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं तो वो मैंने बताई हुई हैं, जैसे कि अभी देखो ना
पहले क्या होता था कि हम लोग लारावेल के अंदर मिक्स को यूज़ किया करते थे। अब जो मिक्स है ना वो अब डेड हो चुका है, अब उसका यूज़ नहीं होता है, अब वाइट आ चुका है। अब ये वाइट जो है ना ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और सिक्योर है, इसलिए वाइट का यूज़ करा जाता है। और इसीलिए जो है ना लारावेल ने खुद ही जो है ना मिक्स को हटा के अब वाइट ही बाय डिफॉल्ट हमारे साथ आता है जब भी हम लोग लारावेल का सेटअप बनाते हैं, यानी कि क्लोन करते हैं लारावेल को, लारावेल न्यू, लारावेल प्रोजेक्ट करना इस कमांड के थ्रू। ओके, तो ये हमारा जो है ना इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जो अब ये जो होस्ट है ना ये अभी इसको मैं टर्मिनल को नीचे ले जाता हूँ। अब ये जो डब्ल्यू होस्ट है ना इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ा देना है एंड ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। दूसरा इसकी जो पोर्ट है वो तो है ये वाली, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, अभी जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और उसके अलावा ये वाला जो है ना इस पोर्ट की हमें नीड नहीं है। एंड दूसरा ये है कि जो फोर्स TLS है तो इसको मुझे यहाँ पे फॉल्स कर देना है। एंड यहाँ पे बताया भी गया है कि फॉल्स कर देना है। एंड यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपने कन्वर्ट कर देना है डिसेबल स्टेट में। ठीक है, डिसेबल स्टेट में आप लोग इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक हो गया। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने ट्रू कर लेना है। तो डिसेबल जो स्टेट है ये आपकी यहाँ पे ट्रू रहेगी। बाकी एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इतना कर लेने के बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, फिर एक बार PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ओके, तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज कर लूँगा। एंड देन यहाँ से एक जो है ना कॉमा ये उड़ाना था, एक बार दोबारा से इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। एंड उसके अलावा मुझे और क्या करना है, बस यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुकी है। अब मुझे जो है ना इसके लिए भी, अब देखो हमारे एक तो सर्वर PHP आर्टिजन सर्व चल रहा है, दूसरा हमारा वेब सॉकेट सर्व चल रहा है, और तीसरा हम लोग एक चलाएंगे NPM रन सेव। तो ये जैसे ही हम लोग चलाएंगे तो ये अब चल चुका है। ठीक है, ये चल जाने के बाद उसके बाद दो PHP चल रहे हैं और एक नोड चल रहा है। अब मुझे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे व्यूज के अंदर जाना है, और ये जो वेलकम ब्लेड है यहाँ पर आप मैं लिसन कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल एंड पे आऊँगा और एंड पे आने के बाद यहाँ पे एक सेट टाइम आउट वाला जो फंक्शन है इसको यूज़ करूँगा। इसको मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना इसके अंदर मुझे इको को यूज़ करना है, इको डॉट चैनल, एंड इस चैनल में चैनल का नाम देना है जो कि होगा हमारा यहाँ पे ये चैट मैसेज। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ। इस पे हमने लिसन करना है, इसको लिसन करना है जी, लिसन करना है चैट को। एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कॉल बैक में एक फंक्शन होगा जो हम लोग एरो फंक्शन बना रहे हैं। एंड इसमें मैं लोग कर दूंगा जो भी ई में आ रहा है। अब ई बेसिकली क्या है, यहाँ पे डाटा ही लिख देता हूँ, डाटा। एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डाटा। अगर मैं अब यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं हिट एंड रीलोड करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना एक आएगी एरर, ये कहेगा इको इज़ नॉट डिफाइंड। और अब इको डिफाइंड क्यों नहीं है, इको डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों ने लिंक नहीं करा है। अच्छा, अब ये जो मुझे फाइल जो लिंक करनी है ना वो मुझे रिसोर्सेज से लिंक करनी है। ठीक है, अब रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर तो मुझे यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए एक्सेस करने के लिए मैंने चूंकि वाइट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एट द रेट वाइट एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर app.js। एंड इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ओके, तो इको इज़ नॉट डिफाइन, इको इज़ नॉट डिफाइन। अगर मैं बूटस्ट्रैप के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे इको को यूज़ किया किस तरह से जा रहा है, विंडो के अंदर इको, तो विंडो के अंदर इको ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे अब एक बार चेक कर लेते हैं कि चैनल चैनल कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड चैनल, अनडिफाइंड चैनल। तो चैनल हमारा अनडिफाइंड क्यों है, यहाँ पे आई थिंक हम ई बड़ा लिखना पड़ेगा मे बी। इको नॉट डिफाइन, इको हमारा इंस्टॉल तो हो चुका था ना, तो फिर क्यों इशू आ रहा। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी चीज़ें मिस नहीं करी हैं। इको 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 बूटस्ट्रैप के अंदर से भी तो एरर आ रही है ना, तो यहाँ
एरर क्यों आ रही है? PHP इंस्टॉल लारावेल इको पुशर, यस ठीक है। तो ये हमारी इंस्टॉल हो गई थी, मैंने ऑप्टिमाइज भी कर दिया था और रन डेव भी कर दिया था, तो स्टेप्स तो मैंने प्रॉपर ही फॉलो किए हैं, बट यहाँ पे इश्यू आ रहा है। पे इश्यू क्यों आ रहा है? एक बार यहाँ पे जो है ना दोबारा से npm इंस्टॉल कर देते हैं, एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा वर्क करने लग जाए। यहाँ पे ये चीज़ तो हमारी अच्छे से चल रही थी, पता नहीं आ रही है। तो पे चैनल रीडिंग में एरर, लेकिन ये बूटस्ट्रैप में भी तो ये एरर दे रहा है ना, ये क्यों एरर? जो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट है, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो लारावेल इको है ना, ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो अब जो है, अब हमारा काम हो गया। ओके, तो हमारा जो है ना यहाँ पे इशू क्या था, इशू यहाँ पे एक बार कंसोल में आते हैं एंड अब देखते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही एरर है, वो है चैनल अनडिफाइन। ओके, चैनल अनडिफाइन है, चैनल 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 भी छोटा, मे भी ये वर्क करें तो ये खुद बहुत रीलोड भी हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने दी तो चीज़ें सही हुई हैं, मतलब ये चैट मैसेज है, पे हम लोग चैट को लिसन कर रहे हैं और कॉल बैक में हम अच्छा ऐसा करते हैं, जो इवेंट है ना इसका चैनल चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को एम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग इसको एम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चैनल अनडिफाइंड मे बी इस वजह से भी हो सकता है कि अभी हम लोगों ने इसको फायर नहीं किया, तो मे बी ये रीज़न भी हो सकता है, बट चलो इसको हम लोग चेंज करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आना तो नहीं चाहिए था, वो इंस्पेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे इशू नहीं आ रहा, क्योंकि तो चैनल के नाम में जो है ना अपने अंडरस्कोर नहीं डालना है, अब यहाँ पे इशू नहीं आ रहा है, तो ये जो है ना उसी का ही इशू होगा। ओके, अब मैं फायर करता हूँ, बट अब फायर करने वाला काम भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऐप के अंदर, कंट्रोलर के अंदर ये कंट्रोलर है, एंड इस कंट्रोलर के अंदर मुझे अब ये इवेंट ही मैं फायर कर रहा हूँ ना, तो चैनल तो खुद ब खुद ही फायर हो जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे जो है कोई चीज़ नहीं है, बस यहाँ फायर करते हैं एंड यहाँ पे ये फायर हो चुका है, एंड यहाँ पे देखो ना ये मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। तो ये मैसेज आया, ये क्या आया, मैसेज आया। अब ये जो मैसेज आया है ना, अब इसकी कहानी, अब पहले क्या होता था कि ना अगर ये विंडो है, ठीक है, इस विंडो पे यहाँ पे मैं इसकी इसको मैंने यहाँ पे एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये अब मेरे पास दो विंडोज़ हैं, ठीक है, दो सेम ही टाइप की विंडोज़ हैं, ये विंडो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। अब देखो, बल्कि इसको ना इंस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, बट यहाँ से नीचे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से भी हम लोग इसको इंस्पेक्ट से नीचे ओपन कर लेते हैं। अब देखना ना इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे रिफ्रेश रीडिंग चैनल, तो यहाँ पे इशू नहीं आ रहा है और एक साइड पे इशू आ रहा है, बट यहाँ पे भी अब इशू आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग चैनल। अच्छा चलो ठीक है, इसको ना फायर करते हैं। फायर करने के साथ क्या हुआ है कि यहाँ पे इवेंट ना फायर हुआ है, डिस्प्ले भी हो गया है, बट यहाँ पे भी होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है। तो कहीं पे इश्यू है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ना एक बार ये जो वेब सॉकेट है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसको मैं पहले PHP आर्टिशन ऑप्टिमाइज, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं सर्व कर लेता हूँ। ओहो ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको फिर भी ये यहाँ पे एरर दे रहा है, एंड दूसरा ये यहाँ पे भी एरर देगा ना। तो यहाँ पे तो अभी एरर नहीं आ रहा, बट पे क्यों एरर? एक बार मैंने इसको फायर किया, फायर करने के बाद ये यूज़र नेम एंड इवेंट हैज बीन फायर, ये डिस्प्ले हुआ है, बट ये चीज़ वहाँ पे भी लेसन होनी चाहिए थी, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये यूज़र नेम एंड मैसेज, दिस मैसेज रूट कॉज यूजिंग कंट्रोल है, तो ये जब इवेंट फायर हुआ, जब ये इवेंट फायर हो चुका है, तो फिर क्यों मसला आ रहा है? यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ना हम लोगों ने जब ये इवेंट फायर कर दिया, तो डाटा में डाटा डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे
पे जाके रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक साइड पे एरर नहीं है, एक साइड पे एरर है। तो ये एरर चैनल का है, तो ये चैनल का एरर क्यों है? अगर मैं इसके टाइम आउट को बढ़ा दूं तो मे बी ये एरर चला जाए, बट इसको आना तो नहीं चाहिए था। ये हो गया एंड ये भी, अब दोनों साइड पे एरर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से इवेंट फायर करता हूँ तो अब ये दोनों तरफ जा रहा है, तो वो आई थिंक अलर्ट की वजह से हो रहा था या किसकी वजह से हो रहा था, मुझे अब इसका आइडिया नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर 200 लिख देते हैं, यहाँ पर बाकी ने यहाँ पे तो पहले ही हटा दिया था बट फिर भी वर्क नहीं करा। 200 मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड 200 लिखने से भी ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो इसको आई थिंक मैं ऊपर रख लेना बेहतर है, बिल्कुल टॉप पे रख लेता हूँ यहाँ पे। अब जो है इट शुड वर्क पे, अब जो है ना ये ठीक काम कर रहा है। ओके, तो मैंने, मुझे नीचे नहीं रखना, इसको टॉप पे ही रख लूँगा। अब देखना ना मैंने इवेंट फायर कहाँ से कर रहा हूँ और कहाँ पे हमारा जा रहा है। अब अलर्ट भी यूज़ कर लेते हैं, ये अब एजेक्स के अंदर ही है, तो अब ये मैं अलर्ट शो करा देता हूँ। अलर्ट एंड अलर्ट के अंदर जो डाटा के अंदर जो MSG है वो ये वाला अलर्ट कर दो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अब इश्यूज चले गए हैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश हो गया एंड यहाँ पे भी रिफ्रेश कर लेते हैं, दोनों साइड पे हमारा काम ठीक है। अब मैं एक तरफ से फायर इवेंट कर रहा हूँ एंड दोनों तरफ ये इवेंट्स आ गए हैं, बट अलर्ट सिर्फ एक विंडो में शो हुआ है। तो ये तो दोनों ये जो इवेंट्स है ना ये अब रियल टाइम है, ये जैसे ही फायर होगा ना, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को वही वाला कंसेप्ट समझाता हूँ। इसको ना मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी वो प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को समझाई थी। यहाँ पे ये वाली प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे इसको प्ले कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया क्या था, मैंने बोला था कि सर्वर के पास एक इवेंट होता है जिसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट वाला फंक्शन होता है जो कि एक चैनल को ब्रॉडकास्ट कर देता है, और जितने भी लिसनर हैं जो कि क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट उस चैनल के इवेंट के उस चैनल को लिसन कर रहे हैं, तो ये जो सर्वर है ये क्या करता है, यहाँ पर जो भी इवेंट फायर होता है एजेक्स के थ्रू, किसी एक क्लाइंट ने कोई भी डाटा अपडेट किया, अपडेट करने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने इवेंट को फायर करवा दिया। तो जब वो इवेंट फायर होता है, एक ब्रॉडकास्ट वाला फंक्शन है जो कि क्या करता है, उस चैनल को जितने भी क्लाइंट लिसन कर रहे हैं उन क्लाइंट्स को ना डाटा भेज देगा। अब ये जो सर्वर डाटा भेजता है ना, ये इस क्लाइंट को भी भेजता है, इस क्लाइंट को भी भेजता है, इस क्लाइंट को भी भेजता है, तो ये जितने भी क्लाइंट्स हैं इन सबको जो है ना ये डाटा सेंड कर देता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी, और ये चीज़ जो है ना आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर किस तरह से वर्क किया। अभी देखना, मैं अब दूसरी विंडो, ये वाली विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, इस वाली विंडो पे ये फायर हुआ है और यहाँ पर भी डाटा आया है और यहाँ पर भी डाटा आया है, ठीक है। तो ये इस तरह से ना हम लोगों ने एक रियल टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया अपने लारावेल के अंदर, और इस तरह से हम लोग डाटा, इस तरह से हम लोग चैट ऐप बनाएंगे। ओके, तो अभी आप लोगों को जो है ना फ्रंट एंड पे सारा पता चला गया कि किस तरह से हम लोगों ने लिसन करना है जो भी सर्वर पे चेंजेस हुई हैं। ओके, एंड किस तरह से सर्वर पे हम लोगों ने इवेंट्स बनाने हैं और उनको फायर किस तरह से करवाना है वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे एक चैट ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम लोग एक स्टैटिक चैट ऐप बनाएंगे, यानी कि UI बनाएंगे। अब UI में एक, हाँ मैंने क्या रखा है, एक वेलकम पेज है, ठीक है, जो कि क्या होगा, लॉगिन पेज होगा, जहाँ पे यूज़र आएंगे सबसे पहले यही पेज होगा, और वो यहाँ से अपना यूज़र नेम और फ़ोन नंबर, ठीक है, यूज़र नेम और जो फ़ोन नंबर है वो एंटर करेंगे एंड वो चले जाएंगे, बल्कि सिर्फ यूज़र नेम एंटर करेंगे एंड यूज़र नेम एंटर करने के बाद वो लोग चले जाएंगे दूसरे पेज पर, चैट वाले पेज पर, और वहाँ पर हम लोग चैट UI बनाएंगे, और वो जो चैट UI होगा वो चैट UI में चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि जो है ना आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मज़ीद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये TXT फाइल चाहिए जिसमें सारे स्टेप्स हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे मैं इसको अभी सेव नहीं करता हूँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।